तो दोस्तों फाइनली Redmi का Redmi 10 Prime इंडिया के अंदर आज लॉन्च हो गया है और टेक की बातें की इस वीडियो में उसी के बारे में बात करें, क्या है इसका प्राइस, कब ये आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा और क्या इसको आते ही बाय करना चाहिए या किसी और फोन के लिए वेट करना चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो जैसे बताया कि Redmi का Redmi 10 Prime इंडिया के अंदर लॉन्च हो गया है तो आज उसके बारे में बात करें। उससे पहले बता दूं कि इसका सीरीज चैनल के ऊपर चल रहा है, ये है Realme का C21Y, C21 नहीं है, C21Y है, आप देख सकते हैं ब्लू कलर वाला है ये। तो इसका सीरीज चल रहा है और आज उसका ये वीडियो आने वाला था लेकिन ये लॉन्च हो गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा आज बात कर लेंगे और कल से फिर आपको इसका वीडियो देखने को मिल जाएगा। और इसके बारे में क्या कुछ जानना चाहते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और दो तीन वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, गेमिंग रिव्यू आ चुका है, अगर आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं और ऊपर में भी आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा। आप आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं Redmi 10 Prime के बारे में। तो सबसे पहले Redmi 10 Prime की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार आपको देखने मिलेगा, ये वाला क्रॉस पैटर्न नहीं, पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आपको ये देखने को मिल जाएगा, प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है। और जो सामने की तरफ डिस्प्ले है यहाँ पे आपको डॉट नॉच है, यहाँ पे आपको नॉच मिलता है लेकिन उसमें आपको पंच होल वाला जो कैमरा बोलते हैं वो आपको बीच में देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार का आपको डिजाइन देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, तो 6.5 इंच का यहाँ पे आपको फुल HD यानी कि 1080p वाला डिस्प्ले मिलेगा जिसमें कि आपको 400 निट्स का ब्राइटनेस लेवल मिलेगा और साथ साथ यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो Redmi बाकी फोन में नोट सीरीज में भी देखने को मिल जाता है या फिर पोको फोन में देखने को मिलता है, स्मार्ट रिफ्रिजरेट सिस्टम वो आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि वो ऑटोमेटिकली 60 हर्ट्ज 90 हर्ट्ज में वो चेंज हो भी पाएगा और आप अगर 90 हर्ट्ज में रखना चाहते तो वो भी आप रख सकते हैं। वो चेंजिंग जो होता है वो गेमिंग टाइम में ज्यादातर होता है, FPS चेंज होता है, वो भी रिफ्रेश रेट वगैरह भी चेंज आपको देखने को मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको G85 या फिर G80 इन सबका सक्सेसर मॉडल आपको देखने को मिलेगा, मॉडल तो नहीं प्रोसेसर है तो वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको MediaTek का G88 वाला नया प्रोसेसर देखने को मिलेगा, साथ साथ यहाँ पे आपको Mali का G52 वाला GPU देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे रैम रोम वेरिएंट की बात कर लेते हैं, दो वेरिएंट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, 4GB 64GB एंड 6GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे। दोनों की स्टोरेज क्वालिटी की बात करूँ EMC 5.1 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और एक दिया गया है आजकल जो मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है यानी कि वर्चुअल रैम सिस्टम, वो भी दिया गया और अप टू 2GB तक दिया गया है। आजकल जितने फोन आ रहे हैं बहुत सारे फोन में आपको 5GB अप टू 3GB तक देखने को मिल जाता है लेकिन यहाँ पे आपको अप टू 2GB तक देखने को मिल जाता है, यानी कि जो 4GB रैम है वो अगर आप गेम खेल रहे हैं या फिर ज्यादा हाई प्रोसेसिंग काम कर रहे हैं तो उस टाइम में वो आपका स्टोरेज से 2GB लेके एज ए रैम उसको यूज कर सकता है। यही बेसिकली जो बेसिकल फीचर्स है वर्चुअल रैम सिस्टम का वही है कि आपको स्टोरेज से कुछ रैम उठा के, कुछ GB उठा के उसको एज ए रैम वो ट्रीट करता है और वो वर्चुअल रैमिंग में काम आता है, यानी कि 4GB है और गेमिंग खेलने टाइम में और कुछ रैम का जरूरत हो रहा है क्योंकि 4GB से संभल नहीं पा रहा है तो वो वहां से 2GB उठा के एज ए वर्चुअल रैम वो काम करता है। तो कुछ इस प्रकार में यहाँ पे ये काम कर जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे पीछे तरफ आपको 2-3 नहीं 4 कैमरे देखने को मिलता है क्योंकि बजट समय जितने फोन आते हैं उसमें ज्यादातर बहुत सारे कैमरे आपको देखने को मिल जाते हैं। जो मेन कैमरा है वो 50MP का है जिसमें कि आपको सैमसंग का सेंसर देखने को मिल जाता है, उसके बाद 8MP का वाइड एंगल और उसके बाद 2-2MP का छुटपुट वाले कैमरे देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट सेल्फी की बात करते हैं तो 8MP का यहाँ पे आपको फ्रंट सेल्फी देखने को मिल जाता है, और ये फोन पकड़ के बोल रहा हूँ तो ये फोन नहीं है, Redmi 10 Prime की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ मिलता है, तो MIUI 12.5 देखने को मिल जाता है, 4G वोल्टी वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, 3.5mm का जैक देखने को मिलता है और साइड माउंटेड यानी कि इस तरफ वाला साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। इसमें तो बैक है, बैक में ये आप देख सकते हैं लेकिन उस फोन में आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा। अब आखिर में बात करते हैं बैटरी और बाकी चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6000mAh का बैटरी मिलेगा, टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा और चार्जर की बात करें तो 18 वाट फास्ट चार्जिंग इसका कैपेसिटी है लेकिन बॉक्स के अंदर आपको 22.5 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा, जो कि पोको केस में भी आपको देखने को मिलता है, जो पोको का पोको M3 प्रो है 5G वाला फ़ोन है उसमें भी 18 वाट का फास्ट चार्जर उसका कैपेबल है लेकिन बॉक्स के अंदर 22.5 वाट का चार्जर देखने को मिलता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी आपको 22.5 वाट का चार्जर बॉक्स के अंदर मिलेगा लेकिन जो कैपेबल है 18 वाट का फास्ट चार्जर यहाँ पे सपोर्टेड है। अब आगे बढ़ते हैं कलर के बारे में बात करते हैं, 3 कलर में आपको ये देखने को मिल जाएंगे,
नॉर्मल हिसाब से देखें तो ब्लैक व्हाइट एंड ब्लू कलर, और उनके हिसाब से देखें तो फैंटम ब्लैक और कुछ कुछ व्हाइट और कुछ ब्लू, इस तरह का नाम दिया गया है। तो जनरल ये तीन कलर में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो 4GB वेरियंट जो है यानी 4G 64GB, उसका प्राइस रखा गया 12,499, और जो अपर एंड वेरियंट यानी कि 6GB 128GB, उसका प्राइस रखा गया है 14,499, यानी कि 14,500 में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। अब ये कहाँ पे मिलेंगे, कब से मिलेंगे, तो 7 सितंबर से ये आपको amazon.in के ऊपर, me.com के ऊपर और उनका जो ऑफलाइन स्टोर है वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे। अब आखिर में बात करते हैं फ़ोन कैसा है। तो फ़ोन ओवरऑल ठीक ठाक है और मुझे लग रहा है प्राइस 10,000 के अंदर होने वाले, क्योंकि G80 सीरीज का जो G80 सीरीज जितने भी आते हैं वो 10,000 से नीचे होते हैं, लेकिन क्योंकि आजकल प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये जो अगर बिलीव नहीं करेंगे, ये जो प्राइस है इसका 4G वेरियंट का 12,500 रखा गया है, और कुछ महीने पहले जो रेडमी नोट 10 लॉन्च हुआ था इसी प्राइस में ही आपको देखने को मिल रहा था। इवन जब मैं बाय किया था रिव्यू के लिए, आप देख सकते चैनल के ऊपर भी जाके, तो उस टाइम यही प्राइस में मैं बाय किया था, लेकिन उसके बाद ये बढ़ के आ गया है इतना। अभी से ऐसे 14,000-15,000 में देखने को मिलता है रेडमी नोट 10, लेकिन इसी प्राइस में मिल रहा था। अभी ये फ़ोन भी उसी प्राइस में लॉन्च हुआ है, आप देख सकते कितना प्राइस हाइकअप हो रहा है फ़ोन के अंदर, तो इसीलिए शायद से इसका प्राइस इतना रखा गया है। और हाँ, अगर आप HDFC का यूज करते हैं कार्ड, तो ऑफर में कुछ 700 या 800 रुपये आपको ऑफ भी मिल सकता है। अब और एक चीज़ बताना चाहता है कि अगर ये फ़ोन आप देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, लेकिन 9 सितंबर के बाद डिसाइड करना, क्योंकि 9 सितंबर को लॉन्च हो रहा है रियलमी का 8i, और उसमें अच्छा खासा है, उसका वीडियो ऑलरेडी मैं चैनल के ऊपर बना के दे चुका हूँ कि क्या कुछ आपको देखने को मिलता है, तो उसके लिए भी वेट कर देना, क्योंकि वो भी अच्छा फ़ोन है। तो अगर वो लॉन्च हो जाता है 9th को, तो उसमें आपको प्राइस भी पता चल जाएगा। इसके आसपास अगर प्राइस होगा तो आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं और आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं, तो दो ऑप्शन मिल जाएगा। इसलिए जो सितंबर 9th है उसके लिए भी वेट कर देना, क्योंकि ये सितंबर 7 में सेल में जा रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन वेट कर देना, क्योंकि बाद में तो ये फ़ोन मिलेगा, तो 2-3 दिन वेट करके आप चूज कर सकते हैं। दोनों फ़ोन आपको कंपेरिजन में देखने को मिल जाएगा और पता भी चल जाएगा इसमें क्या कुछ बेहतर मिलता है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से अगर आप बाय करना चाहते हैं ये फ़ोन, तो 7 के बाद भी 2-3 दिन वेट करना और उसके बाद डिसाइड करना कि बाय करना है या नहीं करना है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे कर देना। और ये जो फोन है Realme C21, इसका भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जाके आप देख सकते हैं और कॉमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो आपको पसंद आया तो जल्द से लाइक कर देना। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देखते हैं यूट्यूब चैनल, मैं बताऊँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।